सातवें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका संबंध भगवान श्री राम से है, और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य अगर कुंडली में ठीक नहीं है या सूर्य की दशा चल रही है, जीवन में कई मुश्किलें आ रही हैं, तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करना चाहिए। रामेश्वरम में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। यहाँ 24 कुंड का पानी इतना गुणकारी है कि इसमें स्नान करने से गंभीर रोगों में आराम मिलता है। जब भी आप रामेश्वरम कभी गए होंगे तो वहाँ 24 कुएं हैं मंदिर परिसर में, उन्हीं कुओं से पानी निकाल निकाल करके वहाँ जो मतलब कि मंदिर के सेवा कार्य में लगे हुए लोग हैं वो सबके ऊपर वही पानी फेंकते हैं, और उन 24 कुओं के जल से स्नान करने के बाद कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का पाप ताप शेष नहीं रहता है। और उसके बाद वहीं परिसर में एक तालाब है, तालाब में तो कोई नहीं प्रवेश करता है, लेकिन तालाब का बाहर से ही दर्शन करने से निश्चित रूप से मन को शांति मिलती है, और वहाँ पर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से सब प्रकार के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। कहते हैं रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। भगवान राम का शब्द है कि भगवान शिव से ज़्यादा प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है, और उन्होंने लिंग की स्थापना की और विधिवत पूजा की। तो अगर आप दर्शन पूजन करने रामेश्वरम नहीं जा सकते हैं तो आप ओम श्री राम जानकी वल्लभाय विद्महे सुंदर प्रियाय धीमहि तन्नो रामेश्वरः प्रचोदयात् इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।